बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में सिंगल रुकनी बैंक ने सुबह जो है दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला जारी कर दिया है। पैमरा का जो 5 सितंबर का जो प्रेस रिलीज और फैसला था उसको फौरी तौर पर अदालत ने मुअत्तल करके बोल न्यूज और बोल इंटरटेनमेंट को फौरी तौर पर पुरानी जो पोजिशन थी उस पर बहाल करने का हुक्म दिया है और अदालत ने नोटिस भी जारी किए जिसमें वफाकी हुकूमत और पैमरा से जवाब तलब किया है और अदालत ने कहा कि नशियात जिस पोजिशन पर बंद की गई थी उसी पोजिशन पर फौरी तौर पर बहाल की जाए। जो बैरिस्टर आमिर जुबैरी और आयान मेमन थे उन्होंने अदालत में दलाइल दिए थे कि पैमरा की जानब से जो वो जो दरखास्त गुजार हैं प्राइवेट लिमिटेड उनकी उनको सुना नहीं गया, एकतरफा फैसला किया गया था और सुने फिर फैसला जो है वो कानून के खिलाफ पर इजलास बुलाकर बोल न्यूज की नशियात बंद की इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। तो अदालत ने सुबह के औकात में दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अब अदालत ने रिटर्निंग फैसला जारी किया और जिससे अदालत ने पैमरा को हुक्म दिया कि बोल न्यूज की नशियात फौरी तौर पर पुराने कमीशन पर बहाल की जाए। ठीक है शाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और इस हवाले से हमें गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब, बोल न्यूज की नशरियात को बहाल करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। जी बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि पैमरा ने गैर कानूनी तरीके से बोल की नशरियात को ऑफर किया था, चैनल का लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया था, बिल्कुल गैर कानूनी था और उसमें जो अदालती फैसले ऑलरेडी आ चुके हैं उनकी धज्जियां इन्होंने उड़ाई थी। तो आज एक बड़ा फैसला दिया सिंध हाई कोर्ट ने और बोल की नशरियात को बहाल करने का हुक्म दिया उन्हीं नंबरों पर और 14 तारीख को पैमरा चेयरमैन को वफाकी हुकूमत को तलब कर लिया कि वो आके इस मामले में जवाब दें। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं, जजेज इंसाफ दे रहे हैं और ये बोल की एक बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तानी सहाफियों की एक बहुत बड़ी फतह है क्योंकि इसमें तमाम यूनियंस भी इकट्ठी थी और ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात आ गई थी कि अगर ये पाबंदियाँ इस तरह जारी रहीं तो कारकुन भी, सहाफी भी, सिविल सोसाइटी इस पर एहतजाज करेंगे। और ये जो पाबंदी थी ये मैं ये याद दिलाऊं नाजरीन को कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि क्योंकि हम हकीकत की बात दिखाते हैं, अवाम की बात करते हैं और फिर खास तौर पर पीटीआई को दिखाते हैं, इमरान खान की तकारीर को दिखाते हैं। तो इन्होंने क्योंकि इनके पास कोई इस जो इमरान खान के सवाल हैं हुकूमत के पास कोई उसका जवाब नहीं है तो इसलिए इन्होंने सोचा कि उन चैनल्स को ही बंद करें। तो बोल को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा फैसला है और अदालतों के हम शुक्रगुजार हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा ब्रावो सिंध हाई कोर्ट, जिंदाबाद सिंध हाई कोर्ट के उन्होंने एक इतना दलेर फैसला किया, आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया किसी दबाव और अब ये हुकूमत 15 तारीख को 14 तारीख को वहाँ पर आके अपनी पोजीशन वाजे करेगी। अब पैमरा को चाहिए कि वो जो दूसरी मुनाफकाना कार्रवाइयाँ करता है कि चैनल बंद रहता है और वो कहते हैं जी कि केबल ऑपरेटर्स नहीं खोलते, इसमें मुझे याद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला के रिमार्क्स जब ये पैमरा कह रही थी कि केबल ऑपरेटर्स, तो उन्होंने कहा कि क्या इस मुल्क को केबल ऑपरेटर चलाते हैं। तो अब अगर पैमरा ने कोई दोबारा लेतो लाल या कोई बहानेबाजी करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि यकीनी तौर पर उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, सहाफी भी उनके खिलाफ उठेंगे और अब ये पैमरा को चाहिए कि वो सुप्रीम सिंध हाईकोर्ट के फैसले पर बिनौन अमल करे। अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर बोल हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। और समी इब्राहिम साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जहाँ जहाँ कोशिश की जाती है कि इमरान खान की आवाज़ को दबाया जाए या किसी चैनल की आवाज़ को दबाया जाए तो उसकी जो मकबूलियत है वो और ज़्यादा सामने आती है, पॉजिटिव इमेज मजीद सामने आता है आवाम के। देखें बोल का मैं सिर्फ बोल पर बात करूँगा कि हमने तो हमारी जो स्क्रीन है ये पाकिस्तानी अवाम की अमानत है, अवामी इशूज़ पर हम बात करते हैं और हम कोई किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। हमें बहुत कहा गया, लालच दी गई, इश्तहार ले लें, करोड़ों का इश्तहार चलाएं, इमरान की तकरीर ना चलाएं, लेकिन हमने वो चलाई, हम चलाते रहेंगे जब तक हमें अदालतें इस बात की इजाजत देंगी। और ये जो इनके हथकंडे हैं ये सारे के सारे सिर्फ आवाज़ को दबाने के लिए। बोल अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी, आप देखें बंद होने से पहले भी सोशल मीडिया पर भी हमारी जो रेटिंग्स हैं, हमारे जो व्यूज हैं वो मिलियंस में है और कोई नजदीक भी नहीं है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग इसलिए पसंद करते हैं कि ये सच्ची बात होती है, हक की बात होती है और हम प्रॉपर्ली बात करते हैं, लोगों की राय लेकर बात करते हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान के अवाम भी बोल देखते रहेंगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।